लो अब यहाँ बन गया योगी मंदिर। मंदिर में योगी आदित्यनाथ के कदकाठी की मूर्ति की गई है स्थापित। अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण संकल्प से जुड़ा है योगी मंदिर। जो श्री राम मंदिर बनवाएगा उसका मंदिर बनाएंगे, ये था संकल्प। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद होंगे। अयोध्या में इन दिनों प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। अयोध्या के चौराहे और गलियों को सजाया जा रहा है। अयोध्या का स्वरूप पूरी तरह से बदला जा रहा है। तो वहीं अयोध्या से चंद किलोमीटर की दूरी पर कल्याण भदरसा मौर्या का पूर्वा गांव में श्री योगी मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर की खास बात यह है कि जिस प्रकार से सभी मंदिरों में भगवान की पूजा होती है, आरती होती है, भोग राग होता है, ठीक उसी प्रकार से योगी मंदिर में भी योगी जी की आरती की जाती है, पूजा पाठ किया जाता है और भोग लगाया जाता है और योगी चालीसा करके आरती भी उतारी जाती है। तो वहीं अयोध्या में आने वाले राम भक्त रामलला का दर्शन करने के बाद श्री योगी मंदिर का भी दर्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए योगी प्रचारक प्रभाकर मौर्य के पास तमाम राम भक्त उनसे संपर्क करके योगी मंदिर आना चाहते हैं और दर्शन पूजन भी करना चाहते हैं। ये सब कुछ हो रहा है अयोध्या में चंद किलोमीटर की दूरी पर भदरसा कल्याणपुर गांव में, जो इन दिनों श्री योगी मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे वह अयोध्या हो या फिर अयोध्या के आसपास के क्षेत्र, हर तरफ एक ही चर्चा है, श्री योगी मंदिर है कहाँ। यूं तो मंदिर में भगवान की पूजा होते हुए देखा होगा आपने, लेकिन अयोध्या के मसौदा क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर मंदिर भी बनाया गया है और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मूर्ति भी लगाई गई है और उस मूर्ति की पूजा की जाती है। आरती भोग राग भी होता है, ऐसा आपने पहली बार देखा होगा। मंदिर निर्माण करते समय लोग आस्था के अनुरूप मंदिर का निर्माण और मूर्ति की स्थापना करते हैं। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी एक ऐसे मंदिर का निर्माण किया गया जो जुड़ा तो है श्री राम मंदिर निर्माण के संकल्प से, लेकिन मंदिर है यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, ठीक सुना आपने, योगी आदित्यनाथ का, जहाँ उनकी मूर्ति स्थापित की गई है और उनकी पूजा होती है और उन पर लिखे गीतों के साथ बाकायदा आरती भी होती है। योगी आदित्यनाथ का ये मंदिर अयोध्या गोरखपुर हाईवे के किनारे मसौदा के पास निर्माण किया गया है। अब 2014 से योगी प्रचारक बने प्रभाकर मौर्य ने उनका मंदिर बनाया है। उनका संकल्प था कि जो अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनवाएगा, वह उसका मंदिर बनाएंगे। अब जब श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो उनका संकल्प पूर्ण हुआ। जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर निर्माण के पीछे योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका रही है, इसलिए उन्होंने संकल्प के अनुसार उनका मंदिर बनवाया है। मंदिर में मूर्ति भी योगी आदित्यनाथ की कदकाठी की लगाई गई है और बकायदा पूजा आरती भी होती है। आरती के समय उनके गीत भी बजते रहते हैं जो खुद प्रभाकर ने लिखे हैं। यही नहीं, प्रभाकर ने योगी से मुलाकात के दौरान की फोटो भी बड़ी सहेज कर रखी है और अब मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए बकायदा ऑडियो और वीडियो कैसेट भी तैयार करा रहे हैं। प्रभाकर मौर्य ने कहा कि हमने एक संकल्प लिया था कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जो भी भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करवाएगा, जिसकी सरकार में मंदिर का निर्माण होगा, उसका भव्य और दिव्य मंदिर हम भी बनाएंगे। इस संकल्प को हम पूरा करते हुए पूज्य महाराज जी का मंदिर बनाए हैं, जिसका नाम श्री योगी मंदिर, और हम लगातार ये पूज्य महाराज जी की आरती पूजा करते रहते हैं। इस समय पूरा देश भगवामय हुआ है और भगवा जो है हम लोगों की एक पहचान है, सनातन की पहचान है, हिंदुत्व की पहचान है, इसलिए भगवा कलर में हमने मंदिर का निर्माण करवाया है। इस समय जब से राम मंदिर की डेट फाइनल हुआ है प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी का, तब से लगातार देश के कोने कोने से, हर राज्य से हमको फोन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पूज्य महाराज जी का मंदिर किस लोकेशन पर है, हम लोग अयोध्या आ रहे हैं, पूज्य महाराज जी के मंदिर का भी दर्शन करना चाहते हैं। लगातार प्रतिदिन हमको सैकड़ों फोन आ रहे हैं। हमने एक संकल्प लिया था कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जो भी भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करवाएगा, जिसकी सरकार में मंदिर का निर्माण होगा, उसका हम भव्य और दिव्य मंदिर हम भी बनाएंगे। उसी संकल्प को हमने पूरा करते हुए पूज्य महाराज जी का मंदिर बनाया, जिसका नाम है श्री योगी मंदिर, और हम लगातार यहाँ महाराज जी की आरती पूजा करते रहते हैं। पूरे मंदिर को आपने देखिए, इस समय तो पूरा देश भगवामय हुआ है और भगवा जो है हम लोगों की एक पहचान है, सनातन की पहचान है, हिंदुत्व का पहचान है, इसलिए जो है भगवा कलर में हमने जो है मंदिर का निर्माण करवाया है। हाँ, इस समय जब से जो है राम मंदिर का जो है डेट फाइनल हुआ है प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी,
तब से लगातार देश के कोने कोने से हर राज्य से हमको फ़ोन आ रहे हैं कि पूज्य महाराज जी का मंदिर किस लोकेशन पर है, हम लोग जो है अयोध्या आ रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने, और पूज्य महाराज जी का भी हम लोग मंदिर पर आकर दर्शन करना चाहते हैं। तो लगातार हमको जो है प्रतिदिन सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं।